आपको एक विवाह करवाना होगा। विवाह तो कोई भी पंडित करवा सकता है। मेरा सुहाग खतरे में है माँ। तुम्हारा ये चेहरा हमें हर जगह क्यों दिखाई देता है? क्या जादू कर रही है तू मेरे अधिराज पर? एक सुहागन की शक्ति के सामने तुझ जैसी काली शक्ति जीत ही नहीं पाई। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुझे इतना विश्वास है अपने आप पर, तो तू मुझे अधिराज से बात करने के लिए क्यों रोक रही है? सर्पिका, तुझे जितने स्वप्न सजाने हैं सजा ले, क्योंकि तू जानती है अधिराज सिर्फ मेरे हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो। रानी तू नहीं है सुनैना, मैं हूं अधिराज की होने वाली रानी। देखो इसे, अब ये तुम्हारी रानी नहीं बल्कि केवल एक साधारण दासी है। हे अम्बे मां, क्या करूं? तुझे याद है ना सुनैना, किस तरह से अधिराज ने तुझे दासी बना के रखा था? देख एक बार फिर से तुझे तेरा वास्तविक स्थान मिल गया। अब केवल तू एक साधारण दासी है। ये अच्छा लग रहा है तुझ पर। अब ऐसे ही दासी बनकर महल में आना और अपनी होने वाली रानी की सेवा करना। और हां सुनैना, एक बार फिर से याद दिला देती हूं, आज रात हमारे मिलन की रात है। बहुत कमंड है ना तुझे अपनी शक्ति और इस चालाकी पर। मुझे भी अपने प्रेम और अपनी अम्मे मां की शक्ति पर भरोसा है। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो तू अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएगी। ले जाओ इसे। निश्चित रूप से यहाँ अपनी तांत्रिक सिद्धि तपस्या कर रहा होगा, लेकिन अगर हमने सीधे जाकर उसकी तपस्या भंग कर दी तो वो हमें भस्म कर देगा। इसलिए हमें कोई और रास्ता निकालना होगा।
बाबा 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 किसने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया है? अब मैं तुझे अपनी शक्तियों से अपने वश में कर लूंगा। रुकिए बाबा, हमारे पास आपकी सिद्धियों का सरल रास्ता है। या तो आप यूं ही सदियों तक तपस्या करते रहें, या हमारी बात सुन। ये मणि देखिए बाबा, ये आपको आपकी सिद्धियों तक बहुत जल्द पहुंचा सकती है। ये तो समस्त शक्तियों का भंडार चंद्रमणि है। जी, लेकिन इसके प्रयोग से पहले आपको एक विवाह करवाना होगा। विवाह? विवाह तो कोई भी पंडित करवा सकता है, फिर मैं ही क्यों? ये कोई साधारण विवाह नहीं है बाबा, ये विवाह एक काली शक्ति का एक दैवीय शक्ति के साथ है, जो इस पृथ्वी पर केवल आप करवा सकते हैं। और हम वचन देते हैं कि इस विवाह के संपन्न होते ही आप जो चाहेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। हे अम्बे मां, एक ऐसा दुर्भाग्य है मेरे जो मुझे अपने ही कक्ष से अपमानित करके निकाला है। मेरे पति मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं मां, और वो काली शक्ति वो मुझे अपने पति से दूर करना चाहती है। आपको मुझे राह दिखानी होगी मां, कैसे लड़ूंगी उस काली शक्ति से? मेरा सुहाग खतरे में है मां, उन्हें उस दुष्ट आत्मा से बचाना होगा। एक सुहागन की पुकार सुननी होगी मां, मुझ पर दया कर, मेरी सहायता करो मां। अधिराज, ये पूरा कक्ष हमने अपने हाथों से सजाए, ये जलते दिए, ये फूलों की सुगंध, ये कोमल बिछौना, ये हमारे प्रेम की गवाही देंगे। अधिराज, अधिराज, आपको अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत सुंदर है। आज रात हम एक हो जाएंगे अधिराज। Oh.
आप अपनी बेटी को बेसहारा नहीं छोड़ सकती माँ। एक सुहागन की पुकार को अनसुना नहीं कर सकती है माँ। आपको मुझे राह दिखानी होगी। मुझे सहारा दो माँ, मुझे सहारा दो। ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच है, प्रेम और स्वार्थ के बीच है, अच्छाई और बुराई के बीच है। आपको न्याय करना होगा माँ। अग्नि को साक्षी मानकर, सात वचनों का ये बंधन में बंध कर और आपका आशीर्वाद लेकर, सात जन्मों के बंधन में अधराज से जुड़ी थी, आपको इस रिश्ते की लाज रखनी होगी माँ, लाज रखनी होगी। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। क्या हो रहा है भाई? उस दासी का चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? अधिराज, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ऐसे अचानक? हम आपको पसंद नहीं है, या मेरे पास आना आपको पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है मोहिनी। जब तुम हमारे निकट आ रही थी तो हमें उस दासी का चेहरा दिखाई दे रहा था। शायद हमारी तबीयत ठीक नहीं है। दूर होकर भी वो सुनैना मेरे और अधिराज के बीच आ ही गई, पर मैं इस अफसर को हाथ से जाने नहीं दूंगी। अधिराज, आप सच में बहुत दयालु हैं, इसलिए उस दासी और उसकी दुख भरी कहानी अभी भी आपके दिमाग से निकली नहीं है। लेकिन अधिराज, ये क्षण उस दुखियारी को याद करने का नहीं, ये क्षण अपनी प्रेमिका पर प्यार बरसाने का है। ये क्षण हमारा है अधिराज। इस क्षण में किसी को अधिकार नहीं कि वो हमारे बीच में आए। आज रात हम ऐसे मिलेंगे जैसे जल में चंदन। क्या आज रात हम विश्राम कर सकते हैं? हमें अजीब सा लग रहा है। अधिराज, हमने सुना है प्रेम औषधि का भी काम करता है। हम आपको ठीक कर देंगे अधिराज। हम क्षमा चाहते हैं मोहिनी। हमारा सर अभी भी भारी है। हम विश्राम कर लेते हैं। ठीक है अधिराज, आप विश्राम कर लीजिए। इस हालत में भी इसे उस सुनैना का ही चेहरा दिखाई दे रहा है। पर देख लेना अधिराज, बहुत जल्द तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा याद रहेगा, सिर्फ मेरा। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। ए सुनैना, क्या जादू कर रही है तू मेरे अधिराज पर? वो मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं है। जय अम्बे माँ। ना मैंने कि तू मुझे अधिराज के हृदय से नहीं निकाल पाएगी। कहा था ना, एक सुहागन की शक्ति के सामने तुझ जैसी काली शक्ति जीत ही नहीं पाएगी। देखा, फिर से एक बार मेरा सच्चा प्रेम जीता और तेरा ये छल हार गया। विश्वास है मुझे मेरी अम्बे माँ के आशीर्वाद पर और मेरे सच्चे प्रेम की शक्ति पर कि तू चाहे कितना भी प्रयास कर ले,
और तू अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएगी। मेरी छोटी सी हार को तू अपनी जीत समझने की भूल मत कर सुनैना। याद रख, मैं सर्पिका हूं। मैं अपनी शक्तियों से हर हार को जीत में बदलने की क्षमता रखती हूँ। और वैसे जितनी खुशियां मनानी है ना तुझे मना ले, क्योंकि बहुत जल्द तुझे बहुत आंसू बहाने होंगे। सोच सुनैना सोच, जब तू मुझे अधिराज के साथ विवाह के मंडप पे देखेगी तो तुझे कितना रोना आएगा। वो तो समय बताएगा कि किसके भाग्य में आंसू है और किसके भाग्य में अधिराज का प्रेम। जहाँ तुझ जैसी शक्तिशाली काली शक्ति भी तुझ है, जब तक मेरे ऊपर अंबे माँ का आशीर्वाद है तब तक मेरे और अधिराज के रिश्ते में कोई आंच नहीं आ सकती। मैं अपने अधिराज को वापस पाकर रहूंगी सर्पिका, और मैं तुझे अपने सुहाग को छीनने नहीं दूंगी सर्पिका। तो तू भी कान खोलकर सुन ले सुनैना, अधिराज को मैं अपना बनाकर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ तेरी प्रेम की शक्ति और तेरी अम्मे माँ की भक्ति क्या कर पाती है। हे अम्बे माँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ, और मुझे शक्ति देना कि मैं उस सर्पिका को अपने कार्य में सफल होने से रोक पाऊं। जय अंबे मां। ये सर्पिका कहां चली गई? इतनी बौखलाहट क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों के भूखे से किसी ने भोजन की थाली छीन ली हो। ए डाकिनी, मेरे जले पर नमक मत छिड़को। अरे हम तो बस पूछ रहे थे, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, हम ठीक नहीं है। और कैसे ठीक रहे? उस अधिराज की याददाश्त चली गई, पर सुनैना के प्रेम का असर नहीं गया। हम उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, वो हमसे भाग रहा है। वो इसलिए क्योंकि शास्त्र के अनुसार सुनैना अब भी अधिराज की धर्मपत्नी है। सुनैना के पास भक्ति की शक्ति के साथ साथ सुहाग की, मंगलसूत्र की, सिंदूर की शक्तियां भी हैं, और ये शक्तियां असाधारण होती हैं। सर्पिका, यही हैं वो बाबा जिनके बारे में हम तुम्हें बता रहे थे। अधिराज और तुम्हारा विवाह यही कराएंगे। अब आप जल्दी से विवाह की तिथि तय कीजिए। अभी तिथि तय करने का कोई लाभ नहीं है। जब तक वो मंगलसूत्र सुनैना के गले में है, तब तक तुम्हारा विवाह अधिराज से नहीं हो सकता, तुम्हारा मिलन भी अधिराज से नहीं हो सकता। इसका अर्थ है हमें सुनैना के गले से वो मंगलसूत्र निकलवाना होगा। अगर वो मंगलसूत्र मेरे और अधिराज के बीच की दूरी का कारण है तो मैं उस मंगलसूत्र को जरूर निकालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सुनैना की गर्दन क्यों ना काटनी पड़े।
एक बार वो मंगलसूत्र सुनैना के गले से उतर जाए, फिर मैं सर्पिका और अधिराज की विवाह की तिथि तय कर दूंगा। हे अंबे मां, मेरे अधिराज की रक्षा करना। हमें खुद का समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ कैसे आ गए, पर कुछ प्रश्न हैं जो हमारे मस्तिष्क में घूम रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, और आज हम उन प्रश्नों के उत्तर लेकर ही जाएंगे। इसका अर्थ है अधिराज की आदाश्त अभी भी पूरी तरह से नहीं गई है। कैसे प्रश्न? तुम्हारा ये चेहरा हमें हर जगह क्यों दिखाई देता है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा और हमारा कोई संबंध है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि तुम पराई नहीं हो, हमारी अपनी हो? क्यों? क्योंकि अधिराज, हम पति पत्नी हैं। उस सर्पिका ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग किया और आपकी आताश मिटा दी। अधिराज, वो आपसे विवाह करना चाहती है, इसलिए उसने ये सब किया, और वो आपको नागराज बनाकर अपने साथ ले जाना चाहती है। सब कुछ याद आ गया सुनैना। उस दुष्ट सर्पिका ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमें क्षमा कर देना सुनैना। उस सर्पिका के माया जाल में फंसकर हमने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। अधिराज से गले लगकर मुझे पहले जैसी अनुमति क्यों नहीं हुई? आपकी आदाश वापस लाकर रहूंगी। कितना परिश्रम कर रही हो ना तुम सुनैना हमारे लिए। क्योंकि आप मेरी दुनिया हो अधिराज। अधिराज, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप यहाँ इस दासी के साथ? तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन अधिराज पर अधिकार सिर्फ मेरा होगा। अधिराज,